लास्ट मिनट में आखिरकार मैंने ट्रेन पकड़ ही ली, वरना मेरी तो बैंड ही बज जाती। वैसे उसने बोला था कि ट्रेन चलेगी तो मुझे मिस कॉल करेगा, फिर भी उसने मिस कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, कहाँ गया वो? ओह, लगता है बाथरूम गया होगा। ओह, आदमी बड़ा ईमानदार है, बाथरूम में भी मेरा बैग लेकर गया। जवानी बड़े काम। एक्सक्यूज मी मैडम, अंदर कोई आदमी भी है क्या? बाथरूम को तूने थिएटर समझ रखा है, जो मेरे साथ अंदर फिल्म देखेगा बदतमीज। अरे एनी जी, ये ऑटो है, हवाई जहाज नहीं। ए, जब मैं नशे में होता हूँ ना तो हवाई जहाज और ऑटो एक से दिखते। ये मरना है क्या? हेलो भाई, मैं चमनपुरी। सॉरी रॉन्ग नंबर है। भाई 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 भाई, फोन मत काटना। हेलो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैग दिया था, वही चमनपुरी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ बोलिए चमन जी, आप कौन सी कोच में है भाई? असल में कोच में तो क्या, ट्रेन में भी नहीं हूँ। क्या आप ट्रेन में नहीं हो? ट्रेन में क्यों नहीं हो भाई? ट्रेन में क्यों नहीं हूँ, इसका एक ही जवाब दे सकता हूँ चमनपुरी जी। ट्रेन मिस हो गई, शादनगर से ट्रेन पकड़ूंगा। फिर मेरा बैग? बैग तो मेरे पास सेफ रखा हुआ है, उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट है भाई, सुबह मुझे इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, आप शादनगर स्टेशन से पहले चैन खींचकर ट्रेन रोक दीजिए। हाँ, चैन खींचनी पड़ेगी, ठीक है रुकिए। अरे बाप रे, चैन का तो इसने झूला बना दिया है। ये तो चैन से ही कसरत कर रहा है, मैं तो मर जाऊंगा भाई। मुझे लगता है यहाँ की सारी चैनें खराब हैं, आपको ही किसी तरह यहाँ पहुँचना होगा। ठीक है, इसकी स्पीड से तो लगता है ट्रेन के पहुँचने से आधा घंटा पहले ही पहुँच जाऊंगा। भाई मुझे थोड़ा डाउट है, आप पुराना माने तो पूछूं? हाँ पूछिए चमनपुरी जी। आप कहीं चोर तो नहीं है ना भाई? अगर मैं चोर होता तो फोन स्विच ऑफ कर देता ना। या करेक्ट भाई, सॉरी भाई। मैं आपको फोन करता रहूंगा, ट्रेन कहाँ तक पहुँची है उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहना। ओके भाई, डन। ये पीछे कौन है? सुनो भाई, टेक इट। नहीं है? तो चलो चलो चलो। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर। सर सर, टिकट बैग में ही है सर। बैग में है तो निकाल कर दिखाओ। बैग मेरे पास नहीं है सर, किसी और के पास है। किसी और के बैग में तुमने टिकट क्यों रखी? वो बैग मेरा ही है सर। मतलब तुम्हारी टिकट नहीं है? टिकट भी मेरी है, बैग भी मेरा ही है सर। जब दोनों तुम्हारे ही हैं तो किसी और के पास क्यों हैं? जल्दी जाकर उससे टिकट लेकर आओ। वो ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया सर। मतलब टिकट ट्रेन में नहीं है तुम्हारे पास? आप सही कह रहे हैं सर, मुझे फाइन भरना पड़ेगा सर, लेकिन पैसे भी मेरे बैग में ही है। भगवान, मैं लिटरेचर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, साहित्य के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हें फाइन देने की जरूरत नहीं है। हाँ। बदले में मुझे एक अच्छी सी कविता सुनाओ। कविता? हाँ। सर हा? मैं सुनाता हूँ ना सर। हा? आपके बगीचे में, हा? हमारे आपके बगीचे में, काव काव करते करते, काव काव करते करते, एक प्यारा सा कौवा आया जिसने गर्मी में पहना था जैकेट। क्या कहा तूने? कौवे ने जैकेट पहन रखी थी? बचपन से मैंने जैकेट नहीं पहनी और तू उसे पहना रहा है? पागल गधा, सर अब मुझे रो मत सर। कविता मैं कविता नहीं सुनाऊंगा तो मुझे बहुत मारेगा, मैं यहां से भागता हूं। कविता कैसी कैसी, सुनने से पहले ये बहरा हो जाए, पढ़ने से पहले अंधा हो जाए।